नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने देश की अर्थव्यवस्था को अच्छी स्थिति में बताया। कहा, सभी कल्याण योजनाओं पर खर्च करने के बावजूद राजकोषीय अनुशासन नियंत्रण में। राज्यसभा की मंजूरी से संसद में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध विधेयक 2019 पारित। संसद के दोनों सदनों ने हैदराबाद सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले की कड़ी निंदा की। सरकार ने कहा, वो कानून में कठोर प्रावधानों के लिए तैयार। झारखंड विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए 221 उम्मीदवार मैदान में। चीन ने लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों का समर्थन करने के कारण अमरीकी नौसेना की हांगकांग यात्रा स्थगित की। और भारत ने नेपाल में 13वें दक्षिण एशियाई खेलों में ट्रायथलन में 4 पदक जीते। समाचार संध्या के साथ मैं अतहर सईद। लोकसभा ने आज कराधान कानून संशोधन विधेयक 2019 पारित कर दिया। यह विधेयक इस संबंध में जारी अध्यादेश का स्थान लेगा। इस विधेयक में घरेलू कंपनियों को 22% की दर से कर के भुगतान का विकल्प दिया गया है, बशर्ते वे आयकर अधिनियम के तहत कटौती का दावा न करें। फिलहाल 4 अरब रुपए तक के सालाना सकल कारोबार वाली घरेलू कंपनियों को 25% तथा अन्य घरेलू कंपनियों को 30% आयकर देना पड़ता है। विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि नए विनिर्माताओं सहित घरेलू कंपनियों के लिए कॉरपोरेट कर में कटौती का सरकार का फैसला चीन और अमेरिका के बीच मौजूदा व्यापार युद्ध के संदर्भ में किया गया है। उन्होंने कहा कि दक्षिण पूर्व एशिया के अनेक देशों ने कॉरपोरेट कर की दरें कम की हैं। उन्होंने कहा कि इस कदम से निवेश बढ़ेगा, आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन मिलेगा और रोजगार बढ़ेंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में है। नवंबर में प्रत्यक्ष कर संग्रह में 5% की वृद्धि हुई और जीएसटी संग्रह 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। वित्त मंत्री ने कहा कि सभी कल्याण योजनाओं पर खर्च के बावजूद देश का राजकोषीय अनुशासन नियंत्रण में है और 4% से काफी नीचे है। वित्त मंत्री ने कहा कि नई कर छूट केवल उन्हीं कंपनियों को मिलेगी जो इस वर्ष अक्टूबर के बाद स्थापित की गई है। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि अध्यादेश लाए जाने के बाद पिछले 2 महीनों में क्या परिणाम हासिल हुए। उन्होंने विनिर्माण क्षेत्र में मांग बढ़ाने के लिए सरकार को जीएसटी की दर कम करने का सुझाव दिया। डीएमके, ऑल इंडिया अन्ना डीएमके, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और तृणमूल सहित अन्य राजनीतिक दलों के सदस्यों ने भी विधेयक पर बहस में हिस्सा लिया। संसद ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध विधेयक 2019 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज व्यापक चर्चा के बाद इस विधेयक को मंजूरी दी। लोकसभा में यह विधेयक पहले ही पारित हो चुका है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने राज्यसभा में बताया कि इस विधेयक का उद्देश्य लोगों को ई सिगरेट के दुष्प्रभाव से बचाना है। डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि भारत में 28% लोग किसी न किसी रूप में तम्बाकू का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि ई सिगरेट तम्बाकू उत्पाद नहीं है, लेकिन इससे स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंचता है। राज्यसभा में इस विधेयक पर बहस में कुल 28 सदस्यों ने भाग लिया। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध विधेयक 2019 में ई सिगरेट के निर्माण, आयात, निर्यात, ले जाने, लाने, बेचने, वितरण, भंडारण और विज्ञापन पर प्रतिबंध के साथ इसके उल्लंघन पर कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। ये विधेयक 18 सितंबर को जारी अध्यादेश का स्थान लेगा। संसद के दोनों सदनों में हैदराबाद में सामूहिक दुष्कर्म के बाद पशु चिकित्सक की हत्या के जघन्य मामले की कड़ी निंदा की गई और सदस्यों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। राज्यसभा में विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने घटना की निंदा करते हुए महिलाओं के प्रति अपराध के लिए दोषियों को कड़ी सजा देने, कानून और पुलिस व्यवस्था में बदलाव की मांग की। सभापति एम वेंकैया नायडू ने भी ऐसी घटनाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि केवल कानून बनाना पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद की घटना एक कलंक है। व्हाट इज रिक्वायर्ड इज नॉट ए न्यू बिल, व्हाट इज रिक्वायर्ड इज पॉलिटिकल विल, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल एंड देन चेंज ऑफ माइंडसेट एंड देन गो फॉर द किल ऑफ द सोशल ईविल। इन दैट डायरेक्शन वी मस्ट ऑल मूव इन द एंटायर कंट्री। विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि देश और समाज को इस तरह के जघन्य अपराध के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। समाजवादी पार्टी की श्रीमती जया बच्चन ने इस तरह के जघन्य अपराध करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की भी मांग की। लोकसभा में भी इस घटना की कड़ी निंदा की गई। सरकार ने सदन को आश्वस्त किया कि वो इस मामले पर चर्चा कराने और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए कानून में संशोधन करने को तैयार है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर बहस कराने और दोषियों को सजा दिलाने के लिए कानून बनाने को तैयार है। हैदराबाद की जो यह घटना घटित हुई है, मैं समझता हूं कि इससे बड़ा और कोई दूसरा अमानवीय कृत्य नहीं हो सकता। और अध्यक्ष महोदय, सचमुच जैसा सभी माननीय सदस्यों ने कहा है, ये सारा देश इस घटना को लेकर संसार हुआ है, सभी आहत हैं। और मैं देख रहा हूं कि सदन में चाहे किसी भी दल से संबंधित हमारे सदस्य हों, सबने इस घटना की जहां भर्त्सना की है, वहीं पर यह भी अपेक्षा की है कि इसमें जो भी अपराधी है उसे कठोर से कठोर दंड दिया जाना चाहिए। डॉक्टर कश्यप 28 नवंबर को हैदराबाद के पास शादनगर में जली हुई अवस्था में मिला था। राज्यसभा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की आपत्तिजनक टिप्पणी के मुद्दे पर भोजनावकाश के बाद शोर शराबा हुआ। भोजनावकाश के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होते ही भारतीय जनता पार्टी के भूपेन्द्र यादव ने यह मुद्दा उठाया। भाजपा सदस्यों ने कहा कि अधीर रंजन चौधरी को माफी मांगनी चाहिए। नई दिल्ली में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडन नरेश कार्ल गुस्ताफ के साथ शिष्टमंडल स्तर की बातचीत की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और आपसी हित के वैश्विक मुद्दों पर सहमति बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री और स्वीडन नरेश ने नवाचार नीति से संबंधित भारत स्वीडन उच्च स्तरीय नीति वार्तालाप की सह अध्यक्षता भी की। उन्होंने भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए दोनों देशों के प्रौद्योगिकी और नवाचार विशेषज्ञों के बीच आपसी तालमेल पर अधिक जोर दिया। रिसर्च एंड इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी किसी भी राष्ट्र के सशक्तिकरण के बेसिक टूल होते हैं, इसलिए भारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम को और शक्तिशाली बनाने पर निरंतर काम कर रहा है। बीते कुछ वर्षों से जो कदम हमने उठाए हैं, उससे भारत ने इनोवेशन की दुनिया में अपनी स्थिति मजबूत की है। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्वीडन नरेश और महारानी सिल्विया से आपसी संबंध बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज शाम नई दिल्ली में स्वीडन के विदेश मंत्री एन लिंडे के साथ भी व्यापक चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने ट्विटर पर कहा कि उन्होंने पर्यावरण, विनिर्माण, स्वास्थ्य और स्मार्ट शहरों के क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। दोनों नेता आतंकवाद की चुनौतियों और उससे निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर मिलकर काम करने पर भी सहमत हुए। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। झारखंड विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए आज नाम वापसी के बाद 221 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। कुल 229 उम्मीदवारों के नामांकन वैध पाए गए, जबकि 8 उम्मीदवारों ने नाम वापस ले लिए। इस चरण में 4 जिलों में 15 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 16 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। बोकारो निर्वाचन क्षेत्र में अधिकतम 25 और नीरसा सीट से 8 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इस बीच दूसरे और तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक अपने उम्मीदवारों के समर्थन में रैलियां कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने झारखंड के चक्रधरपुर में एक जनसभा में कहा कि पहले की सरकारों के पास पूर्ण बहुमत नहीं था, इसलिए वे स्थिर सरकार नहीं दे सकी। उन्होंने कहा कि लोगों को नक्सलवाद और विकास में से किसी एक को चुनना होगा। नरेंद्र मोदी सरकार और रघुवर सरकार ने झारखंड के अंदर से नक्सलवाद को उखाड़ कर फेंक कर यहाँ विकास का रास्ता प्रशस्त करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी सरकार। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार बाहरी लोगों को देश से निकालने के लिए वर्ष 2024 से पहले पूरे देश में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्ट्रेशन लागू करेगी। श्री शाह ने यह भी कहा कि भाजपा ने समाज के पिछड़े वर्गों के विकास के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने का फैसला किया है। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज झारखंड के सिमडेगा में चुनाव सभा को संबोधित किया। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य के जनजातीय और गरीब लोगों को पर्याप्त धन उपलब्ध होने के बावजूद सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि औद्योगिकरण के नाम पर आदिवासी समुदाय की जमीनें हड़पी जा रही हैं। जहां भी कांग्रेस पार्टी की सरकार आई, चाहे वो कर्नाटक, चाहे वो पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हमने वायदा किया था कि सही दाम मिलेगा और किसान का कर्जा माफ करके हम दिखा देंगे, और वही वायदा मैं आपको यहां करने जा रहा हूं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। चीन ने अमरीकी नौसेना के जहाजों और विमानों की हांगकांग यात्रा स्थगित कर दी है।
अमरीकी संसद में हांगकांग में मानव अधिकारों के समर्थन में कानून पारित किए जाने के बाद चीन ने यह कार्रवाई की है। चीन ने अमरीका के कई मानव अधिकार संगठनों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मानव अधिकार और लोकतंत्र अधिनियम पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद चीन ने यह कदम उठाया है। अधिनियम में हांगकांग को पर्याप्त स्वायत्तता की जांच के लिए वार्षिक समीक्षा की व्यवस्था है, ताकि इसी के अनुसार दोनों देशों के बीच विशेष व्यापार जारी रखा जा सके। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चुनयिंग ने कहा कि हांगकांग ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी एक्ट से हांगकांग के अंदरूनी मामलों में गंभीर हस्तक्षेप होता है। नेपाल में 13वें दक्षिण एशियाई खेलों के पहले दिन भारत ने ट्रायथलन में एक स्वर्ण, दो रजत और एक कांस्य पदक सहित चार पदक जीत लिए हैं। पुरुषों के व्यक्तिगत ट्रायथलन में आदर्श एमएन सिनिमोल ने स्वर्ण पदक जीता, वहीं विश्वजीत श्री खोम ने इसी स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया, जबकि सरोजनी देवी और मोहन प्रज्ञा ने महिलाओं के व्यक्तिगत वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीते। सघन टीकाकरण मिशन इंद्रधनुष का दूसरा चरण आज से देशभर में शुरू हो गया है। केंद्र सरकार की इस योजना का उद्देश्य दो वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा, मेनिनजाइटिस और हेपेटाइटिस बी से बचाव के टीके लगाना है। राजस्थान में आज इस अभियान की शुरुआत हुई। एक रिपोर्ट। राज्य में नियमित टीकाकरण के तहत 88.5% बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण हो चुका है और इस अभियान के तहत इसे 100% तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अभियान के तहत दूरस्थ गांव ढाणियों, सघन कच्ची बस्तियों में टीकों से वंचित रहे बच्चों और महिलाओं की सूची तैयार कर क्षेत्रवार माइक्रो प्लान के अनुसार उन्हें टीके लगाए जाएंगे। प्रथम चरण में 6,071 टीकाकरण सत्र आयोजित कर 10,101 गर्भवती महिलाओं तथा 42,000 से ज्यादा बच्चों को टीके लगाकर प्रतिरक्षित किया जाएगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विश्वास व्यक्त किया है कि कॉरपोरेट जगत पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए बढ़ चढ़कर योगदान करेगा। नई दिल्ली में सीएसआर सम्मेलन में सशस्त्र बल फ्लैग डे समारोह में श्री सिंह ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि कॉरपोरेट क्षेत्र और देश में धन सृजन करने वाले पूर्व सैनिक कल्याण विभाग के संग्रह राशि में योगदान करेंगे। उन्होंने कहा कि लोगों ने शहीद जवानों के परिवारों के लिए बने भारत के वीर कोष में खुलकर योगदान किया है। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं, क्योंकि मैंने देखा है गृह मंत्री के रूप में मैंने एक बार अपील की थी तो भरपूर सहयोग उद्योग जगत से और कॉरपोरेट जगत से हमको प्राप्त हुआ। किसी व्यक्ति विशेष से आग्रह करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, वो जो कुछ भी था सेल्फ इंस्पिरेशन से, क्योंकि देश के उद्योग जगत और कॉरपोरेट जगत पर मुझे पूरा विश्वास है। जितने भी वेल्थ क्रिएटर्स हैं सब पर विश्वास है। जहां पर देश के मान सम्मान स्वाभिमान का प्रश्न होता है तो बिल्कुल अपनी झोली खोल देते हैं। तमिलनाडु में विभिन्न स्थानों पर सामान्य से मूसलाधार बारिश जारी है। अरब सागर में कम दबाव का क्षेत्र बनने से हो रही बारिश के कारण राज्य के 9 जिलों में जनजीवन पर बुरा असर पड़ा है। मुख्यमंत्री ई पलानीसामी कल प्रभावित जिलों का दौरा करेंगे। बारिश के कारण आज सुबह 4 मकान ढह जाने से मेट्टुपलायम में 17 लोग मारे गए। मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवारों के निकट संबंधी को 4-4 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। वर्षा से प्रभावित जिलों में शैक्षणिक संस्थान दिन भर बंद रहे और विश्वविद्यालय परीक्षाएं टाल दी गई हैं। मुख्यमंत्री इडापड़ी पलानीसामी ने किसानों की सहायता के लिए जिला प्रशासन से सभी आवश्यक कदम उठाने को कहा है। राजस्व मंत्री आरबी उदय कुमार ने कहा है कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने खतरे की चेतावनी जारी की है। कडलोर और तिरुणवेली जैसे निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने महामारी की रोकथाम के लिए नजर बनाए रखने की अधिसूचना जारी की है। लोगों को पानी उबालकर पीने की सलाह दी गई है और वर्षा प्रभावित क्षेत्रों में नियंत्रण कक्ष बनाए गए हैं। चेन्नई से जोए की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने देश की अर्थव्यवस्था को अच्छी स्थिति में बताया। कहा, सभी कल्याण योजनाओं पर खर्च करने के बावजूद राजकोषीय अनुशासन नियंत्रण में। राज्यसभा की मंजूरी से संसद में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध विधेयक 2019 पारित। संसद के दोनों सदनों ने हैदराबाद सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले की कड़ी निंदा की। सरकार ने कहा वह कानून में कठोर प्रावधानों के लिए तैयार। झारखंड विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए 221 उम्मीदवार मैदान में। चीन ने लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों का समर्थन करने के कारण अमरीकी नौसेना की हांगकांग यात्रा स्थगित की। और भारत ने नेपाल में 13वें दक्षिण एशियाई खेलों में ट्रायथलॉन में 4 पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।